आज फिर से हिंद ब्रादरी में लगा है मंदिर में नॉर्थ, तो दिखाते हैं आप मंदिर का नॉर्थ। दुनिया बनाने वाले, दुनिया जलाने वाले चुप के बैठे कहां, काशी में तो जाओ रे कैलाश ढूंढा तुझे देखा ये सारा जहां, मैंने ये प्रश्न मेरे दर्शन करा कोई मेरे सामने आओ रा, तुम ही हो बंधु मेरे, तुम ही हो सखा मेरे, तुम से सारा जहां। भोले मेरी सांस चलती है, दिन ये ढलता है नाम से तेरे, किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। भोले मेरी सांस चलती है, दिन ये ढलता है नाम से तेरे, किस्मत वो ही बनती है जो तू लिखता है हाथ सब तेरे। गण अब आ चुके हैं, सभी लोग बैठ चुके हैं और आरती की तैयारी है। अब तो अभी ये आह्वान चल रहा है देवी देवताओं का, आरती होगी फिर कथा सुनाई जाएगी फिर अवतार होंगे। सम्मुनि सम्मुदायतन छ
महाराज में कि हमें लहजा शंभु निशंभु दयात को आपकी हमें लहजा आप बात लगा को बाबा जतली कोट में 9 लाख जतली कोट बटुड़ा फुलवाल कोठी बाबा महसा सुर देव जसो कटाक रूप धरल बैगे हो बाबा राम दल धनिया दल के हमें लहजा 10 माह तक साठ मुड़ा भैया उनू ना जान देवी देवाल में बाबा 9 लाख जतनी देवी देवाल घरे लगा दे कि हमें ला जा फुलबैल कोर्ट में भैया चपतकाज में कि हम मिले बाबा महसा सुन गए जो कि हमें ला जा गंगा चपुर तोड़ो रह गये भैया 33 करोड़ जब तक कोई समरण करान 33 करोड़ जब तक एकल प्रधान शुक्ला फुलबैल कोर्ट में कहो तो अपन को जल बुझा दे बाबा गली हरिद्वार में कुठा मिली हरि असला घर में सुवार उड़ान बाबा ऊंची झाकर बने दियाली ना सूर्य वंशी बड़े में सुवार उड़ान बाबा गर्जन फाद बिना भाला घोड़िया काट की घोड़ी में जीत जाते लुगुल बेजान Thank you.
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। दर्शन दे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर, दोस्तों ये होती है नवरात्र की समाप्ति। और आप सभी लोगों को नवरात्रियों की शुभकामनाएं। ये नवरात्रियां आपके लिए बहुत शुभ हों और माँ त्रिपुरा सुंदरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और सबके घर में सुख समृद्धि बने रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ करते हैं इस ब्लॉग को समाप्त और मिलते हैं नए ब्लॉग में। और तो जोर से बोलिएगा, जय मां त्रिपुरा सुंदरी, तेरी सदा ही जय।